हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गाइस, अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर जीके टेस्ट सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया, ये आपको बताना है। मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन, विश्व शांति स्तूप कहाँ है? विश्व शांति स्तूप कहाँ है, जल्दी बताओ। विश्व शांति स्तूप यह राजगीर में है। राजगीर कहाँ है? राजगीर बिहार में है, यहां पर है विश्व शांति स्तूप। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? आपको पता है, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चालू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन। आपको यह बताना है कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, और यह हुआ था बंगाल में, यह भी आपको पता है, तो कब हुआ यह आपको बताना है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ, क्योंकि बंगाल विभाजन भी 1905 में ही हुआ था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? देखो, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो स्टार्ट हुआ है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आना चाहिए। तो कंप्यूटर का जनक किनको माना जाता है? यह माना जाता है चार्ल्स बाबेज को माना जाता है कंप्यूटर का जनक। अगला क्वेश्चन, उस यंत्र का नाम बताएं जिसके द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः सुना जा सकता है। उस यंत्र का नाम बताना है जिससे रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः सुना जा सकता है। ये इसको क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ। इसको कहा जाता है डिक्टाफोन। क्या कहा जाता है? डिक्टाफोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस, जल्दी बताओ। तो पेरिस है सीन नदी के किनारे। पेरिस का सीन बहुत अच्छा लगता है, तो पेरिस किस नदी किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? जिस किसी ने भी सहारा आंसर किया, उसके सर पे ये बड़ा वाला हथौड़ा आज मैं मारूंगा। गधों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एशिया का मैंने पूछा है, आपने कैसे वर्ल्ड का मार दिया? एशिया का जब मैंने पूछा था, आप एशिया का ही बताओगे ना। तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। अब आप सभी के लिए यहां से एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में आंसर करना है, गोबी रेगिस्तान कहां स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है सिनेगॉग। क्या कहलाता है? सिनेगॉग कहलाता है यहूदियों का पूजा स्थल। अगला क्वेश्चन, श्रीमती इंदिरा गांधी किस वर्ष प्रधानमंत्री बनी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी बताओ। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब स्टार्ट हुआ, यह आपको बताना है। ये मैंने पहले बताया हुआ है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, यानी कब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन चालू हुआ, किस वर्ष, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सैयद फजल अली। क्या नाम था इनका? इनका नाम था सैयद फजल अली, ठीक है, ये थे अध्यक्ष। आपको कमेंट में क्या बताना है? आपको कमेंट में ईयर बताना है। अगला क्वेश्चन, सात ताल झील कहां है, जल्दी बताओ।
सात ताल झील। तो सात ताल झील कहां स्थित है? सात ताल झील उत्तराखंड में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था, जल्दी बताओ। तो सिद्धार्थ जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, तो इनके सारथी का नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। अगला क्वेश्चन, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? प्रवर्तक भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, तो ये है जैमिनी। कौन है? जैमिनी है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक या संस्थापक। अगला क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? वैशेषिक दर्शन के संस्थापक, जल्दी बताओ। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक हैं कनाद। कौन है? कनाद। कनाद या उलूक, ठीक है, जिस किसी ने उलूक आंसर किया उनका भी सही है। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक हैं कनाद या उलूक। अगला क्वेश्चन, नानावटी आयोग का संबंध किस चीज से है? नानावटी आयोग का संबंध किस चीज से है? नानावटी आयोग का संबंध है गोधरा कांड से। किससे संबंधित है? गोधरा कांड से। अगला क्वेश्चन, जैन आयोग का संबंध किससे था? जैन आयोग का संबंध किस चीज से था? तो जैन आयोग का संबंध था राजीव गांधी के हत्या से। यह मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, ठीक है, राजीव गांधी के हत्या से संबंधित आयोग था जैन आयोग। अगला क्वेश्चन, ठक्कर आयोग का संबंध किस घटना से संबंधित है? ठक्कर आयोग का संबंध, यह भी मैंने आपको बताया हुआ है, यह इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का हत्या, ठीक है, इंदिरा गांधी के हत्या से संबंधित है। कौन सा आयोग? ठक्कर आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी पवन उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व की ओर बहती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए, आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, तीन पवन के बारे में आपसे बार बार पूछा जाता है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। तो आपको बोला जा रहा है कौन सा पवन है जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। तो इन तीनों पवनों को आपको याद रखना है, ठीक है। तीन पवन में से दो पवन इसी कैटेगरी में आता है। वो दो पवन कौन कौन सा है? जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, यह है आपका ट्रेड विंड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं इसको ट्रेड विंड को, व्यापारिक पवन। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है पोलर विंड, ठीक है, पोलर विंड यानी ध्रुवीय पवन। व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन ये दोनों हैं जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। आपको नहीं आता था, कोई बात नहीं, बस यहां से याद रखना, इसमें आपके आंसर जो एग्जाम में होंगे कोई एक होगा, बस आपको याद रखना है तीन में से दो इसी कैटेगरी में है, एक जो बच गया वो दूसरा कैटेगरी है, कि कौन सी पवन उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। तो क्लियर है, बच कौन सा गया? बच गया पछुआ पवन, ठीक है, पछुआ पवन। अब यहां से फिर से एक बार आप रिकॉल करो, पछुआ पवन, यहां पश्चिम दिख रहा है, यहां पछुआ दिख रहा है, यहां पश्चिम दिख रहा है, यहां पछुआ दिख रहा है, यानी पश्चिम अगर आपके क्वेश्चन में रहे तो ये पछुआ पवन होगा, बाकी दोनों क्या होगा? बाकी दोनों उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी वाला हो जाएगा, यानी ट्रेड विंड और पोलर विंड। अगला क्वेश्चन, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, सात पर्वत का नगर किसको कहा जाता है?
सात पर्वतों का नगर, सात पर्वतों का नगर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रोम को। अगला क्वेश्चन है, सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? चलिए बताओ, ये हैं विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ हैं ए सुटेबल बॉय के लेखक। कौन है? विक्रम सेठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मनीला। अगला क्वेश्चन, मैग्ना कार्टा पर किस शासक के समय हस्ताक्षर हुआ था? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा आप जानते हो, मैग्ना कार्टा ये आजादी से संबंधित था, यानी स्वतंत्रता से संबंधित था। ये कहाँ का है? ये इंग्लैंड का है। ठीक है, अब आपको ये बताना है मैग्ना कार्टा पर किस शासक के समय हस्ताक्षर हुआ था? तो मैग्ना कार्टा जॉन द्वितीय के समय मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर हुआ था, यानी जॉन द्वितीय ने इस पर हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन, चांद बीबी कहाँ की रानी थी? चांद बीबी कहाँ की रानी थी? देखो ये क्वेश्चन मैंने पिछले बार भी पूछा हुआ है, यानी पिछले बार करने का मतलब हुआ इससे पहले वाले टेस्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। और अगर किसी ने भी वहां पे जो मैंने आंसर बताया था अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर जिस किसी ने आंसर किया उनका सही है, क्योंकि अगर आप पढ़ लेते हो एक बार फिर आपको याद नहीं रहता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, आपको इसको सुधारना पड़ेगा, यानी आपको पढ़ाई में फोकस करना होगा, आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो इसी कारण से आपको याद नहीं रहता है। तो चांद बीबी कहाँ की रानी थी? ये अहमदनगर की रानी थी, लेकिन ये दो जगह इनसे रिलेटेड है, अहमदनगर और बीजापुर। ठीक है, ये दोनों आप याद रखना, जिस किसी ने आंसर बीजापुर किया उनका भी सही है, जिस किसी ने अहमदनगर किया वो भी सही है। तो दोनों जगह की ये रानी थी चांद बीबी। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ था, यानी स्वेज नहर बना कब? तो स्वेज नहर 1869 में बना था। ठीक है, 1869 में स्वेज नहर बना और 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन, किसने लोकतंत्र को सपनों का महल कहा था? किसने ये कहा कि लोकतंत्र जो है वो सपनों का महल है? लोकतंत्र सपनों का महल है, यह किसने कहा? जल्दी बताओ, लोकतंत्र सपनों का महल है, किसने कहा ये? जल्दी से आंसर करो। ये कहा था वेल्स ने। किसने कहा? वेल्स ने कहा था कि लोकतंत्र सपनों का महल है। अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है, उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी है ये? यह है छिप्रा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो आप सभी को पता होगा यह है रीता फारिया। क्या नाम है इनका? रीता फारिया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब हुआ? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब हुआ? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन 1953 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गीत गाने में कितना सेकंड लगता है? जितनों ने 52 सेकंड आंसर किया उनके सर पे क्या पड़ा? उनके सर पे ये बड़ा वाला हथौड़ा पड़ा, क्योंकि फिर से आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय गीत 52 सेकंड किस में लगता है? राष्ट्रीय गान में। बेकूफों के कहीं के, ये भी नहीं ध्यान से पढ़ पाते हो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो एग्जाम में क्या तुम लोग स्कोर करोगे अच्छे मार्क्स? क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना चालू करो। राष्ट्रीय गीत पूछा जा रहा था और आपने आंसर गान देके निकल गए, यही सिली मिस्टेक्स एग्जाम में भी करते हो। नहीं आता है कोई बात नहीं,
लेकिन गलत आंसर करके आना जानबूझ के, ये सबसे बड़ी फॉल्ट होती है आपकी एग्जाम में, ठीक है, उसको आपको सुधारना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय गीत गाने में लगता है टोटल 65 सेकेंड्स, ठीक है, 65 सेकेंड्स, और राष्ट्रीय गान में 52 सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंबन द्वीप कहां स्थित है, पंबन द्वीप कहां स्थित है, तो पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, कहां स्थित है, मन्नार की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है, वह प्रथम महिला क्रिकेटर जो भारत की है और जिन्होंने दोहरी शतक लगाया था, कौन है वो, वह है मिताली राज, कौन है, मिताली राज, ये भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने दोहरी शतक लगाई। अगला क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, जल्दी बताओ, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, यह है अबुल कलाम आजाद, कौन है, अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन, प्रश्नकाल के बाद का काल क्या कहलाता है, प्रश्नकाल के बाद का काल क्या कहलाता है, ये शून्यकाल कहलाता है, क्या कहलाता है, शून्यकाल। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो यह है कावारती, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस देश से है, बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस देश से है, तो बोल्शेविक क्रांति का संबंध रूस से है। अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, और दूसरे तरफ कौन था, दूसरे तरफ था मराठा, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला क्वेश्चन, अल्लाह रखा खां का संबंध किस चीज से है, अल्लाह रखा खां का संबंध किस चीज से है, तो अल्लाह रखा खां का संबंध तबला से, ये एक तबला वादक थे। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का इकाई क्या है, ज्योति तीव्रता का इकाई क्या है, जल्दी बताओ, तो ज्योति तीव्रता का इकाई है कैंडेला, क्या है, कैंडेला है ज्योति तीव्रता का इकाई। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता तीव्र औद्योगिकरण था, तीव्र औद्योगिकरण था, किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, तो आप सभी को पता होना चाहिए तीव्र औद्योगिकरण था सेकेंड पंचवर्षीय योजना का, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना का, जिसका कार्यकाल जो था वह था 1956 से लेकर 1961 तक। अगला क्वेश्चन, यहूदियों का धार्मिक पुस्तक कौन सा है, यहूदियों का धार्मिक पुस्तक कौन सा है, तो यहूदियों का धार्मिक पुस्तक है तोरह, क्या कहलाता है, तोरह, इसको ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इसको ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पारसियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है और यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है, ये आप सभी कमेंट में मुझे आंसर करके बताओ, मैंने बताया हुआ है यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है, यहूदियों का धार्मिक पुस्तक तोरा है लेकिन पूजा स्थल क्या कहलाता है, ये आपको बताना है कमेंट में, और अभी आंसर करना है पारसियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है, तो पारसियों का पूजा स्थल कहलाता है अग्नि मंदिर, ठीक है। मैंने बताया हुआ था ट्रिक इसका कि पारसी लोग सबसे, अगर अहिंसावादी अगर आप किसी को भी मानो तो वो पारसी ही होते हैं, वो लोग कीड़ों को भी नहीं मारते, ठीक है। पिछली बार कब पारसियों के बीच लड़ाई का चर्चा सामने आया था ये लोगों को पता भी नहीं है। तो इनका जो पूजा स्थल है वो सबसे सबसे ज्यादा, जो आप बोल सकते हो ना, अग्नि, अग्नि सबसे ज्यादा भड़कीला चीज होता है,
तो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज उनका है जो सबसे शांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पारसियों का धार्मिक पुस्तक क्या कहलाता है? पारसियों का धार्मिक पुस्तक क्या कहलाता है? तो पारसियों का धार्मिक पुस्तक जैन अवेस्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? जैन अवेस्ता। ठीक है, यह पारसियों का धार्मिक पुस्तक और अग्नि मंदिर है पारसियों का धार्मिक स्थल। ठीक है, तो ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप, आज का आपका टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो। शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आपको अगर मैं बेनिफिट पहुँचा रहा हूँ तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है। ठीक है, आई होप कि आप सभी समझते हो, क्योंकि आप सभी MFC के मेंबर्स हो। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।